तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको सीधे लिए चल रहे हैं एक बार फिर से टोक्यो जापान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और ये वो अपने होटल पहुंच चुके हैं। वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरे की शुरुआत हो चुकी है। अब से थोड़ी देर पहले वो जापान की धरती पर उनका पदार्पण हुआ है और उन होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां ये आप देख सकते हैं उनका स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय, देखिए झंडों के साथ में, बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए टोक्यो में उनके होटल के पास खड़ा हुआ है। ये सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय जुटा हुआ है, हाथों में झंडे लिए मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय खड़ा हुआ है। सेल्फी लेने का एक जो प्रचलन है आजकल, वो भी तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं लोग। इन क्षणों को बेहद महत्वपूर्ण है, ये क्षण लोगों के जीवन में। बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ होटल में, आप देख सकते हैं चारों तरफ, कई कोनों में और कई जगहों पर होटल में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं खड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री भी उन सब के पास जाकर उनकी हसरत को पूरा करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, सब प्रधानमंत्री को छू लेना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं।
तो बेहद भव्य, बड़ी ज़बरदस्त स्वागत भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है और उनके होटल से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। सबसे ख़ास बात है कि ये जो संख्या है भारतीयों की वो भी बहुत बड़ी है और होटल के तमाम जगहों पर, उसके आसपास से लेकर के अगर कहा जाए कि तमाम कोनों और तमाम हिस्सों में होटल के भारतीय समुदाय मौजूद है, क्या बच्चे क्या बूढ़े क्या स्त्री क्या पुरुष, सभी लोगों के अंदर एक जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तमाम बच्चों से इस दौरान बातचीत की और अब देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें जो बच्चे लेकर के आए हैं उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तमाम सारे लोग इस लम्हे को अपनी कैमरे में कैद करना चाहते हैं और सेल्फी लेने का जो एक प्रचलन है आजकल, वो भी देखा जा सकता है कि लोग सेल्फी लेने में प्रधानमंत्री के साथ में जुटे हुए हैं। भारतीय झंडे के नीचे इस वक्त जो एक बच्चा लेकर के आया है, प्रधानमंत्री ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसकी उम्मीदों को पूरा किया। बच्चों के सर पर स्नेह के साथ में आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करते हुए, हल्के फुल्के बातचीत करते हुए। बच्चे तस्वीरें बनाकर लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तमाम तरह की प्रधानमंत्री की तस्वीर भी उकेरी है इसमें, एक पोर्ट्रेट सा भी दिख रहा है प्रधानमंत्री का। इस तस्वीर में जो बच्चा लेकर आया है उस पर प्रधानमंत्री ने अपना हस्ताक्षर किए। स्वागत तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जिस उत्साह से, जिस उमंग के साथ में भारतीय समुदाय अपने नेता का समर्थन करने, उनका स्वागत करने के लिए जुटा है, बहुत ऊर्जा देती हैं ये चीज़ें। और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से व्यक्तित्व है, वह ऐसी ही चीज़ों से ऊर्जस्वित होते हैं, लोगों के स्नेह से प्यार से उत्साह से उनको ऊर्जा मिलती है। और ये उत्साह उनके दौरे में शुरुआत में ही, वो अपने होटल में इस वक्त एंटर कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं और उसके सामने ही आप देख सकते हैं ये जो पीछे तस्वीरें हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी भीड़ यहाँ जुटी है भारतीय समुदाय की। भारत जापान जो संबंध है वो बेहद सुदृढ़ है, जो भारतीय हैं वहाँ पर वो भी बहुत तमाम क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान है, बहुत संपन्नता में, जापान की संपन्नता में उनका योगदान भी है और वो सब यहाँ जुटे हैं। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए। इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं।